जांजगीर में कृषक चेतना मंच के द्वारा किसानों ने 26 सूत्री मांगों को लेकर अनोखे अंदाज में रैली निकाली और प्रदर्शन किया। किसानों ने पहले धरना दिया, फिर छत्तीसगढ़ की संस्कृति की झलक दिखाते डंडा नाच, गेड़ी में चढ़कर और कीर्तन के साथ रैली निकाली, केरा रोड से रैली निकाली। इसके बाद कचहरी चौक से होते हुए रैली एसडीएम दफ्तर पहुंची। यहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों की 26 सूत्री मांगों में केंद्र सरकार से संबंधित 7 और राज्य सरकार से संबंधित 19 मांगे हैं। राज्य सरकार से संबंधित मांगों में खरीफ फसल के धान में खरीदी पर न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ 9,000 से 12,000 करने, पंजीकृत रकबा में काट छांट न हो, किसानों की मृत्यु के 10 दिन के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र और फौती काटने की मांग, रबी फसल में धान का सही मूल्य निर्धारित करने समेत अन्य मांग शामिल हैं। वहीं केंद्र सरकार से संबंधित मांगों में पीएम सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की मांग, चावल से एथेनॉल बनाने राज्य सरकार को अनुमति देने की मांग, जिले को राष्ट्रीय बागवानी मिशन में शामिल करने समेत अन्य मांग शामिल हैं। हमन अपन गांव में जो शराब घर मऊहा दारू शराब जो घर घर बेचात है, वह हमर गांव ला पूरा तरीका से बिगाड़ा थे। आज ये 10 साल के लड़का स्कूल नहीं जाते, वहू तलक हम मऊहा के पन्नी पाउच के दारू ला पिया थे। एकर नाम से हमन यहाँ आंदोलन करे हैं कि हमर गांव में जो मऊहा दारू देसी शराब है, मऊहा दारू है, वो सब बंद होना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में हमर हर गांव के लड़का अच्छा से शिक्षित रहे, महिला मन भी बढ़िया विकास करें और जो बच्चा है अभी के जो नवयुवक वो मन भी अपन आगे चल के तरक्की करें बढ़िया से। महिला मन भी बहुत परेशानी होती है। हाँ हाँ भैया, महिला मन बिल्कुल परेशानी है। घर में 50 रुपया अगर कर सब्जी बा पैसा है तो 50 रुपया ला, घर वाला ये नहीं सोचे कि मोर घर में सब्जी नहीं है कि के वो पैसा ला, वो अपन घर वाली कर लड़ाई झगड़ा करके लूट के वो पैसा ला वो शराब में अपन लगा लेते पी के। घर परिवार भी पूरा अस्त व्यस्त है भैया। जेकर घर में दारू पीते घर में हर दिन महाभारत है। आज हमार जांजगीर चांपा जिला है, सर्वाधिक नहर ले अपाची है और हम रवि फसल में धान बोथन। 10 साल हो गए परंतु सरकार धान के खरीदी नहीं करे, जेकर कारण बहुत गरीब किसान मन बहुत कम भाव में अपन धान भेज देते। अगर सरकार है एक ठन सुनिश्चित अगर केंद्र सरकार जो खरीदी के मूल्य घोषित करे है वो मूल्य घोषित करके खरीदती तो छोटे बड़े सब किसान मन अपन अपन धान बेचती। तो सबले बड़े तो हमन के मुद्दा है कि रवि फसल के आगामी जोन हुई वोला सरकार खरीदे, दोनों सरकार अपन अपन चुनावी घोषणा पत्र में बात ला शामिल करे। दूसर बात है हमन के अभी 20 क्विंटल धान खरीदे क्योंकि सरकार जो घोषणा करे है, परंतु 9,000 के जो अधिकतम राशि वो राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत देते ओकर बारे में सरकार चुप है। अगर इतना कर ही सरकार है जब तक को 12,000 क्विंटल प्रति एकड़ घोषणा नहीं करी, हमला 650 रुपये जो मिलते अभी प्रति एकड़ ओकर बल्द हमला 650 रुपया मिली, जो हमन पर सर्वथा अन्याय हुई। वैसे नहर के पानी के बारे में हमला हमेशा आंदोलन करे बलाक थे। नहर में 50% जौन दिन पानी ज़्यादा है, जतका जल्दी हो सके खरीफ के आपासी बंद हो के हफ्ता दिन के अंदर रवि के आपासी के और क्षेत्र के दोनों का घोषणा करें। उसमें कोई किस्म के धान गेहूँ चना के बात नहीं करना चाहिए। ओकर क्षेत्र अलग है, जौन क्षेत्र हमार अनकमांड एरिया है वो क्षेत्र अलग कृषि विभाग देख ले चिन्ह ले और वह वह गेहूँ चना अन्य के बात करें। हम उनके खेत में धान होते हैं, हम हमेशा ही धान बोबो, एक बस सरकार ल सचेत रहना चाहिए। हम उनके उसने केंद्र सरकार के मांग है कि जिसे हम उनके राज्य सरकार है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे राज्य धान उत्पादक क्षेत्र है तो ज़्यादा से ज़्यादा चावल के खरीदी केंद्र सरकार हमार करल करे। हसदेव वरण्य क्षेत्र जो हवा है वो हमारे बांगो बांध के या हसदेव नदी के एक ठन बहुत बड़े आधार है, वहाँ के वृक्ष की कटाई कोई भी हालत में रुकना चाहिए, वहाँ कोई किस्म के खदान या कोई किस्म के खुदाई नहीं होना चाहिए, अन्यथा ओकर से हमारा सबसे ज़्यादा घाटा हुई। हसदेव हमार जीवनदायिनी नदी है, गंगा जी है मरे के बाद तार थे, हसदेव नदी हमारे जियत जियत पूरा जिला ला तारा थे, तो हमन के हसदेव नदिया ला जीवनदायिनी नदी हर हालत में घोषित करना चाहिए। वैसे एक ठन शराब के मुद्दा है,
दोनों सरकार हमर संग बेईमानी करीस, भाजपा घलाव के सरकार बेईमानी करीस, कांग्रेस घलाव हमर संग बेईमानी करत है। एकर ऊपर तो ये आरोप लगत है कि यह सरकारी दारू भट्टी मन में नकली दारू बना के 2000-4000 करोड़ के दारू ओकर संग में बेच दी। हमर जनता जो है सर्वाधिक प्रभावित है। छत्तीसगढ़ में पूर्णतः दारू प्रतिबंध लगाओ कहीं के घलाव एकर मांग है। ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी बंद होना चाहिए। यही आंदोलन के नाले के दारू भट्टी से ज़्यादा हमर बहनी भाई मन प्रभावित है, ओकरे कारण हमार महिला बहनी घलाव मना है। मैं अतके कही के हमारे वाणी ला विराम दह। आज के जो हमारे 12-13 ठन मांग है एम सरकार अपन घोषणा पत्र में सब चीज़ ला जारी नहीं करके अगर हम उनके कर आंदोलन के अनदेखी करी तो सरकार एक परिणाम भुगते ब तैयार रहे। कृषक चेतना मंच के हमारे मुद्दे हैं राज्य सरकार के लिए अलग है, केंद्र सरकार के अलग है। केंद्र सरकार हमारे टूटे हुए चावल से जो एथेनॉल बनाने के लिए सहमति या परमिशन दिए थे उसको तत्काल छत्तीसगढ़ सरकार को सहमति दें, और 86 लाख टन चावल जो लेने के लिए सहमति दिए थे उसके लिए तत्काल सहमति दें ताकि हमारा 20 क्विंटल धान की खरीदी सुनिश्चित हो सके। और हाँ, राज्य के लिए और राज्य सरकार से हमारा निवेदन है कि जो उन्होंने गोठान बनाया हुआ है उसका सही ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा है। हमारा निवेदन है राज्य सरकार से कि जो घुमंतरू पशु हैं उनको गोठानों में रखे और उसकी व्यवस्था किसान और पंचायत दोनों मिलकर करें। और हमारा सबसे बड़ा समस्या है फौती दर्ज करने का। हमारे मृत किसान के जो उत्तराधिकारी हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनको फौती दर्ज कराने में भारी समस्या होती है। तो हमारा निवेदन है कि उसके मृत कार्यक्रम के अंदर में उसके परिवार को, उनके परिवार के उत्तराधिकारियों को उसका फौती दर्ज करके मृत्यु प्रमाण पत्र सहित उसके 10वां कार्यक्रम में उसके दिन प्रदान करे। वो सरकार पटवारी को तनख्वाह देती है, कोटवार को, सरपंच को, सचिव को, तहसीलदार को, सबको तनख्वाह देती है। सरकार की अगर मनसा ईमानदारी से किसान के हित में है तो 10 दिनों में उसका फौती दर्ज करके उसके घर में पहुँचाए। वो हमारा निवेदन यही है। किसान अपने मांग को लेकर के कृषक चेतना मंच के द्वारा यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय जांजगीर में कर रहे हैं, और किसान के हित में सरकार, राज्य सरकार काम करे इसलिए यह धरना प्रदर्शन और ज्ञापन रैली के आयोजन कृषक चेतना मंच के द्वारा किया गया, जिसमें खरीफ फसल का जो धान इस क्षेत्र में उगाया जाता है उसको समर्थन मूल्य में खरीदी की जाए और रबी फसल के लिए पानी यहाँ पर दिया जाए, और रबी फसल का भी जो धान होता है उसको समर्थन मूल्य के तहत खरीदी की जाए, और नहर में कई प्रकार की यहाँ पर टूट फूट है उसको तुरंत रिपेयरिंग करते हुए किसान के खेतों तक के पानी सुविधा मुहैया कराई जाए। और कई प्रकार के ऐसे सोसाइटी में भी धान खरीदी का थोड़ा कांटा मारी होता है, किसान के धानों को ज़्यादा लिया जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक खाद जो कांटा है उसमें धान की खरीदी की जाए, और जो मानक है किसान का धान का उसको ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उसको समर्थन मूल्य मिले। और ATM जो हर बैंक में सुविधा दी जाती है तो किसान का भी धान का जो बिक्री होता है उसके अंतर्गत ATM कार्ड जारी किया जाए और उसको लगातार पूरे 365 दिन साल के जारी करना चाहिए। अभी कई शिकायत ऐसे आया है कि किसान धान बेचता है, उसका जो ATM में पैसा निकालने जाता है तो ATM उसका चलता नहीं है और एक सप्ताह में एक दिन ही उसको भुगतान किया जाता है। ऐसे कई प्रकार की असुविधा है और किसान इस क्षेत्र में बहुत परेशान है, क्योंकि किसान इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जांजगीर चांपा के किसान धान के उत्पादन करते हैं और ज़्यादा मात्रा में किसानी यहाँ पर लोग करते हैं। तो इस क्षेत्र के जो हमारे किसान हैं उसको सरकार की योजना से ज़्यादा से लाभ दिलाया जाए ताकि हमारे इस क्षेत्र के किसान, पूरे छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल रह सके। धन्यवाद।